बड़ा देखो ट्रांसक्रिप्शन देखते हैं, ट्रांसक्रिप्शन माने क्या हुआ, डीएनए से आरएनए जब बनता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो अगर आपको इसकी डिफिनेशन लिखना है एनसीईआरटी से तो आप लिखिए, ये देखिए कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। ध्यान रखें मैंने क्या लिखा है, वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मतलब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड रिप्लिकेशन इन ट्रांसक्रिप्शन इस्तेमाल नहीं होते हैं। यहां मैंने लिखा है वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इन द फॉर्म ऑफ आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। मतलब आपको यह समझना है कि डीएनए से जब आरएनए का फॉर्मेशन होता है तो इसी प्रक्रिया को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझना है, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये आपके बोर्ड में डिफिनीशन का काम करेगा, एनसीईआरटी मिलाएंगे आपको एग्जैक्ट एनसीईआरटी में यही दिखाई पड़ेगा। तो क्या हुआ, कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इन द फॉर्म ऑफ आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। मतलब आरएनए का फॉर्मेशन डीएनए से जब होता है तो इसी प्रक्रिया को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ऐसे लिख सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि जब डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है तो ये जो प्रक्रिया है ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अगर इसी बात को मैं आपको सिखाऊं सिंपल लैंग्वेज में सिखाऊं कि देखिए भाई ये आपका डीएनए का मॉलिक्यूल है, ये आपके डीएनए का मॉलिक्यूल है, न्यूक्लियस से पड़ा हुआ है, ये इसके ऐसे स्ट्रैंड्स हैं। जब आप रिप्लिकेशन देखते हैं तो इसके दोनों स्ट्रैंड्स का इस्तेमाल होता है, मतलब 3' to 5' का भी और 5' to 3' का दोनों के स्ट्रैंड का इस्तेमाल होता है। पोलैरिटी लिख लीजिए, अगर ये 3' है तो ये 5' है, ये 3' है तो ये 5' है, ये है डीएनए का मॉलिक्यूल। अगर आपको डर लग रहा है तो आप यहां लिख लीजिए कि सर ये डीएनए का मॉलिक्यूल है। अब इससे इस डीएनए के मॉलिक्यूल का जब इस डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होगा तो पूरे डीएनए की नहीं होगा, अगर आप डीएनए के स्ट्रैंड का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर आप देखिए डीएनए से जब आरएनए का फॉर्मेशन होता है तो हमारा आरएनए जो होता है, मान लेते हैं ये एमआरएनए है, तो ये एमआरएनए जो होता है इसकी पोलैरिटी 5' to 3' होती है। तो ये एमआरएनए अगर आप ध्यान से देखें तो सिंगल स्ट्रैंडेड है और इस पूरे डीएनए की एक साथ ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, बल्कि अगर आप ध्यान रखें इसका आपको बहुत ध्यान रखना है कि इन ट्रांसक्रिप्शन देखिए a particular helix and single strand of DNA is copied। ध्यान रखना है कि जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि पूरे डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, बल्कि डीएनए के किसी पर्टिकुलर हेलिक्स के किसी पर्टिकुलर स्ट्रैंड का इस्तेमाल होता है। मतलब अगर ट्रांसक्रिप्शन होना है तो जरूरी नहीं है यहां से यहां तक, हो सकता है तीन अलग अलग जीन हो, यहां का भी ट्रांसक्रिप्शन बनेगा तो अलग एमआरएनए बनेगा, यहां का ट्रांसक्रिप्शन होगा तो अलग एमआरएनए बनेगा, यहां का ट्रांसक्रिप्शन होगा तो अलग एमआरएनए बनेगा। ये जो एमआरएनए है जिससे अच्छा इसी एमआरएनए का जब क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या बनेगा, ट्रांसलेशन होगा कहेंगे हाँ सर, मतलब इससे प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, तो किसका फॉर्मेशन होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। तो आपको सबसे पहले यह समझना है रिप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन में डिफरेंस है कि रिप्लिकेशन में क्या होता है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड इस्तेमाल होते हैं, पूरा के पूरा डीएनए डबल होता है, पूरा डीएनए कॉपी होता है, जबकि ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि डीएनए के किसी एक हेलिक्स का इस्तेमाल होता है और किसी उसी हेलिक्स से किसी पर्टिकुलर स्ट्रैंड का इस्तेमाल होता है, इसका ध्यान रखना है आपको। तो मैंने ये लिख दिया है और मैं क्या लिख रहा हूं, ये बात तो आपकी एनसीईआरटी ने भी एक्सप्लेन किया है आपकी एनसीईआरटी ने। मतलब अगर मैं ऐसे डीएनए बनाऊं कि ये देखिए डीएनए मॉलिक्यूल है, ये डीएनए हेलिक्स ऐसे खुल जाता है और इससे देखिए ऐसे, फिर ये डीएनए हेलिक्स आगे बंद रहती है, नॉर्मल रहती है। इससे अगर आपको आरएनए बनाना होता है तो मान लीजिए आरएनए ये बन के एक हेलिक्स से बाहर आता है, ये हमारा आरएनए है, आरएनए पोलैरिटी देख लीजिए क्या है, 5' to 3', तो इसकी कितनी स्ट्रैंड का इस्तेमाल हुआ। अगर डीएनए के स्ट्रैंड की बात करें तो इस डीएनए के किसी एक स्ट्रैंड का इस्तेमाल हुआ, यहां भी देख लें
डीएनए के एक ही स्ट्रैंड का इस्तेमाल होता है और डीएनए के जिस स्ट्रैंड का जिस हेलिक्स का इस्तेमाल होता है उसी यूनिट को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। तो आपके मन में यह प्रश्न आया कि आपसे डीएनए के किसी एक हेलिक्स के किसी पर्टिकुलर स्ट्रैंड का क्यों इस्तेमाल होता है, तो आप ये समझिए कि अगर इफ पहला कमेंट देखें, मतलब इफ बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, इफ बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए ट्रांसक्राइब्ड, इफ बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए ट्रांसक्राइब्ड, अगर आप इस कमेंट को पूरा करना चाहते हैं तो आप पहले इस बात को समझें। मैं ये सिखाना चाहता हूं कि डीएनए की किसी एक हेलिक्स के किसी हेलिक्स से किसी पर्टिकुलर स्ट्रैंड का इस्तेमाल क्यों होता है, दोनों स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन इस्तेमाल नहीं क्यों होता है। तो मान लीजिए मैं अगर आपसे कहूं कि भाई देखिए हमारा डीएनए का मॉलिक्यूल है, ये डीएनए का मॉलिक्यूल है, इससे आरएनए बनना है, तो मैंने कहा अगर आप ध्यान से देखें तो ये डीएनए खुल गया है तो इसी के किसी एक ही स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होना चाहिए, आरएनए तब कैसा होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि भाई किसी कारण से इसके दोनों स्ट्रैंड का इस्तेमाल हो जाते, एक आरएनए यहां से बनेगा एक आरएनए यहां से बनेगा, तो बताइए यहां पर आरएनए कैसा होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड की डबल स्ट्रैंडेड। आप कहेंगे सर इस आरएनए जो होगा ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा, ये देखिए डबल स्टैंडर्ड बन जाएगा। तो यहां मैंने क्या लिखा, इफ बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए गेट ट्रांसक्राइब देन आरएनए इज डबल स्टैंडर्ड, आरएनए जो होता है डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा और इस आरएनए से जो ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए है इससे किसी भी प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। मतलब ये हुआ कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। तो आप बताइए जब आर एन डबल स्टैंडर्ड होगा तो प्रोटीन बनेगी कि नहीं होगी, तो आप ऐसे सीधे लिख तो बेटा मैंने भी आपको बताया कि मतलब जब डीएनए से आरएनए बनता है तो डीएनए की किसी पर्टिकुलर हेलिक्स की और उसके किसी एक स्ट्रैंड का फॉर्मेशन इस्तेमाल होता है आरएनए के फॉर्मेशन में। मतलब आरएनए क्या पूरे डीएनए का इस्तेमाल नहीं होता है आरएनए के फॉर्मेशन में, बल्कि किसी डीएनए की एक हेलिक्स का, मतलब किसी पर्टिकुलर हेलिक्स का, 200 हेलिक्स का, 400 हेलिक्स का, 500 हेलिक्स का, और उसे किसी एक स्ट्रैंड का इस्तेमाल होता है आरएनए के फॉर्मेशन में। तो डीएनए के जितने हेलिक्स का और जितने स्ट्रैंड का इस्तेमाल होता है, मतलब जहां से आरएनए का फॉर्मेशन होता है डीएनए के उस यूनिट को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। मतलब अगर आप लिखना हो कि ऐसे लिख सकते हैं, देखिए द यूनिट ऑफ डीएनए, द डीएनए विच इज द डीएनए हेलिक्स, ऐसे लिख सकते हैं द डीएनए हेलिक्स विच इज पार्टिसिपेटिंग, डीएनए की वो हेलिक्स या वो स्ट्रैंड विच इज पार्टिसिपेटिंग इन ट्रांसक्रिप्शन, which is participating in transcription is called transcription unit, which is participating in transcription is called transcription unit। मतलब डीएनए की वो हेलिक्स जिसका ट्रांसक्रिप्शन में इस्तेमाल है, जो ट्रांसक्राइब हो रही है, जिससे आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, उस यूनिट को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। आपकी एनसीईआरटी में इसको बखूबी समझाया गया है और आपको भी सीखना है, इस बात को समझना है। तो
फिर से आप समझ लें, डीएनए के जिस यूनिट का, जिस हेलिक्स के, जिस स्ट्रैंड का इस्तेमाल हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन में, उस यूनिट को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं, या उसी को हम लोग सिस्टान भी कह सकते हैं। फिलहाल मैं अभी आपको सिखाता हूं। मैंने अभी आपको ये बात बताई कि जैसे ये डीएनए का मॉलिक्यूल है, तो इस डीएनए के मॉलिक्यूल के पूरे डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन नहीं होता है। मतलब अगर ये 3' है, ये 5' है, ये 3' है, तो ये प्राइम है, ये सारी चीजें आपने ऑलरेडी पहले पढ़ रखी हुई है। तो इस डीएनए के मान लेते हैं यहां से आरएनए का फॉर्मेशन होना है, तो ये जो यूनिट है इसी यूनिट को ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। या इसी बात को अगर हम लोग एक्सप्लेन करें इस तरह से कि भाई देखिए, ये डीएनए का मॉलिक्यूल है, यहां से आरएनए का फॉर्मेशन होना है, यहां से इस जगह से, मतलब इसको हमने ऐसे एक्सप्लेन कर दिया, यहां से आरएनए का फॉर्मेशन होना है। अब ये देखिए डीएनए यहां खुल गया है, बाकी बचा हुआ डीएनए की क्या हालत है, अगर आप देख लें तो बाकी बचा हुआ डीएनए नॉर्मली बंद है। तो अगर आप समझते हो क्या कि पूरा डीएनए खुला हुआ, कह रहे हैं सर ये पर्टिकुलर हेलिक्स खुली है, तो ये जो हेलिक्स खुली है डीएनए की, ये जो यूनिट आप देख रहे हैं जिससे आरएनए का फॉर्मेशन होना है, क्या इन दोनों स्ट्रैंड्स का इस्तेमाल होगा डीएनए आरएनए बनाने में? बिल्कुल नहीं। अगर इससे आरएनए बनता है, मान लेते हैं एमआरएनए बनता है, तो ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है। तो जब सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, तो दोनों यूनिट, दोनों स्ट्रैंड का इस्तेमाल तो हुआ नहीं होगा, इस्तेमाल तो एक ही स्टैंड का हुआ होगा। तो अगर एक स्टैंड किया होगा इस्तेमाल, तो ये हमारी पोलैरिटी 5' to 3' है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये डीएनए की ये पोलैरिटी है 3' to 5', ये पोलैरिटी है 5' to 3', मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जो आरएनए का मॉलिक्यूल बना है, मैं आपसे पूछूं कि ये जो आरएनए का मॉलिक्यूल मैंने बनाया हुआ है जिसकी पोलैरिटी 5' to 3' है, वो डीएनए के किस स्टैंड से बनी है, वो स्ट्रैंड 3' to 5' है या वो स्ट्रैंड 5' to 3' है? तो आप क्या जवाब देंगे? आपको जवाब देना पड़ेगा सर वो स्ट्रैंड है हमारा 3' to 5', मतलब इस स्ट्रैंड से डीएनए के स्ट्रैंड है 3' to 5' और आरएनए की पोलैरिटी है 5' to 3'। तो डीएनए की ये जो यूनिट है जिसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ है, इस पूरी यूनिट को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। अच्छा, यहां ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा, यहां ट्रांसक्रिप्शन हुआ होगा, जहां पर थायमिन डीएनए रहा होगा वहां यूरेसिन लिखा गया होगा, उसके सिवा यहां ट्रांसक्रिप्शन बंद हुआ होगा। तो मतलब ये पूरी जगह है जिसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ है, इसी यूनिट को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे किसी भी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में कितनी चीजें होती हैं, तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले होता है, हम लोग उसे प्रमोटर कहते हैं, ये आपको याद रखना है। प्रमोटर क्या होता है हम आपको सिखाएंगे। दूसरा जो होता है वो टर्मिनेटर होता है, या आप पहले एनसीईआरटी के हिसाब से लिख लें। जो दूसरी चीज होती है उसे हम लोग स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। ये देखिए, ये जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है उसका दूसरा कंपोनेंट है, ये पहला कंपोनेंट है प्रमोटर, दूसरा कंपोनेंट है स्ट्रक्चरल जीन, और तीसरा जो कंपोनेंट है इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का, उसे हम लोग टर्मिनेटर कहते हैं। मतलब टर्मिनेटर वो जगह है जहां पर प्रक्रिया रुक जाएगी। मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई ये बताओ सिंपल सी लैंग्वेज में कि ये डीएनए की वो जगह है जहां पर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, तो इसमें प्रमोटर कहां होगा? प्रक्रिया यहीं से शुरू होगी, इधर जाएगी, तो प्रमोटर यहां कहीं होगा। मतलब डीएनए में लोकेशन है प्रमोटर, जहां पर। अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन में आप किस एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले अगर आपको ट्रांसक्रिप्शन में इस्तेमाल करना है एंजाइम, तो एंजाइम का पहले आप नाम लिख लीजिए। ये हमारा एंजाइम है जिसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट, पूरा नाम लिख लीजिए, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये एंजाइम है जो ट्रांसक्रिप्शन को अकेले ही पूरा परफॉर्म करता है, किसी और भी एंजाइम की हेल्प नहीं लेता है। मतलब इसी एंजाइम की हेल्प से ट्रांसक्रिप्शन होता है। याद करने कैसे है? डीएनए से आरएनए बनता है, लिखो लिखा है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो ये डीएनए की वो यूनिट है जिसका ट्रांसक्रिप्शन होना है, और जिसका ट्रांसक्रिप्शन होना है उसे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 चीजें होती हैं, एक चीज होती है जिसे प्रमोटर कहते हैं, एक होती है जिसे स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं, और एक जगह होती है जिसे टर्मिनेटर कहते हैं। इस ट्रांसक्रिप्शन के दौरान एक काम और होता है, थायमीन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल। इसका भी आपको ध्यान रखना है, थायमीन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल। तो मतलब जहां जहां पर डीएनए में थायमीन होती है, आरएनए में उस जगह पर यूरेसिल लिखा जाता है, कॉन्सेप्ट है। तो मैं अगर आपसे पूछूं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या पूरा डीएनए है? नहीं। तो क्या है? डीएनए की कुछ पर्टिकुलर हेलिक्स हैं जिनका ट्रांसक्रिप्शन होना है, ये बात आपको सीखनी है। तो क्या दोनों स्ट्रैंड का इस्तेमाल होना है? नहीं। किस स्ट्रैंड का इस्तेमाल होना है? जिस स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3' to 5' है। क्या 5' to 3' वाले स्ट्रैंड का भी इस्तेमाल होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आरएनए की ऑलरेडी पोलैरिटी कैसी है? 5' to 3'। तो डीएनए के किस स्ट्रैंड का इस्तेमाल होगा ट्रांसक्रिप्शन में? अगर मैं ऐसे लिख दूं, आप समझने के लिए यहां समझ रहे हैं,
कि डीएनए की जो पोलैरिटी होगी 3' to 5', ये डीएनए की पोलैरिटी होगी, ये स्ट्रैंड है डीएनए का। और इससे जब आरएनए बनेगा तो उस आरएनए की पोलैरिटी होगी क्या 5' to 3'। मतलब आरएनए की हमेशा पोलैरिटी क्या होगी 5' to 3', और डीएनए की जिस स्ट्रैंड से बनेगा उस स्ट्रैंड की पोलैरिटी होगी 3' to 5'। ये बात आप समझने का प्रयास करें, बिना समझेंगे नहीं तो बीन बजाती हुई नागिन और मुस्कुराता हुआ चेहरा यही बचा रह जाएगा। अब आइए हम देखते हैं कि इसमें ट्रांसक्रिप्शन, ये वो एंजाइम है, बेसिक बातें हैं, आइए सीखा जाए। आपकी एनसीईआरटी में ये जो आपकी एनसीईआरटी है, मैं आपको पहले बात एक बता दूं, एनसीईआरटी जो है, इस एनसीईआरटी ने एक ऐसे ग्राफ बनाया है, अगर आप ध्यान से देखें एनसीईआरटी ने एक ऐसे चार्ट टाइप को बनाया है। पहले आप नाम देखें, ये है एनसीईआरटी का, यहां उसने लिखा है 3' और यहां लिखा है उसने 5'। उसने दूसरा एक चार्ट और ऐसे बनाया, एरो बनाई है, यहां पर उसने लिखा है 5' और यहां पर लिखा है 3'। तो ये जो 3' to 5' है, 5' to 3' है, ये क्या पूरा डीएनए है? नहीं। तो क्या है? क्या कोई एक हेलिक्स है? नहीं। क्या कई हेलिक्स है? हाँ। तो क्या एक स्ट्रैंड है? नहीं, दोनों हेलिक्स है, एक स्ट्रैंड है 3' to 5' और एक स्ट्रैंड है 5' to 3'। तो बताइए इस स्ट्रैंड से आरएनए बनेगा या इस स्ट्रैंड से आरएनए बनेगा? बोलिए, आरएनए की पोलैरिटी क्या है 5' to 3'। तो डीएनए की क्या इस स्ट्रैंड से आरएनए बनेगा? नहीं बनेगा। तो क्या इस स्ट्रैंड से बनेगा? हाँ, डीएनए की इस स्ट्रैंड से आरएनए का फॉर्मेशन होगा। तो अब आप देखिए, खास बात यह है कि डीएनए के ये दो स्ट्रैंड है, ये दोनों स्ट्रैंड जो है, पहली बात आप समझिए कि ये दोनों डीएनए की स्ट्रैंड है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, ये जगह है जो मैंने वहां बना रखी है, ये खुली हुई जगह जिसको मैंने बना रखा है। तो अब इस स्ट्रैंड का कॉपी होना है, तो अब ये पूरे डीएनए के दो स्ट्रैंड है। तो आपसे मैं पूछूं, आरएनए इधर से बनेगा या इधर से? तो आप कहेंगे सर आरएनए इधर से बनेगा, क्योंकि आरएनए की पोलैरिटी क्या होती है 5' to 3'। तो अब आप देखिए, ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है जिसकी पोलैरिटी 5' to 3' है, इस स्ट्रैंड का नाम है कोडिंग स्ट्रैंड, जबकि इस स्ट्रैंड का कोई इस्तेमाल नहीं है ट्रांसक्रिप्शन में। ये देखिए, कोडिंग स्ट्रैंड का कोई इस्तेमाल नहीं है ट्रांसक्रिप्शन, मतलब इससे आरएनए नहीं बनेगा, लेकिन नाम क्या है? कोडिंग स्ट्रैंड, एनसीईआरटी लिखा हुआ याद होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि इस स्ट्रैंड का नाम एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, तो आप कहेंगे सर इस स्ट्रैंड का नाम टेम्पलेट स्ट्रैंड है। तो मैं अगर आपसे पूछूं बेटा कि डीएनए से आरएनए, डीएनए का ये भी स्ट्रैंड है, ये भी स्ट्रैंड है, पोलैरिटी लिखी हुई है, पोलैरिटी 3' to 5', 5' to 3', तो इस स्ट्रैंड का इस्तेमाल होगा फॉर्मेशन में या इस स्ट्रैंड का? तो आप कहेंगे सर इसका इस्तेमाल होगा, टेम्पलेट का, लेकिन लिख क्या रहा है? कोडिंग स्ट्रैंड। तो अगर आपको ये कोडिंग लिखा है तो इसका उल्टा यहां क्या लिखेंगे? अगर आपको इसका उल्टा लिखना होगा तो आप कहेंगे सर ये नॉन कोडिंग स्ट्रैंड लिख सकते हैं, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। नाम से तो ऐसे लग रहा है जैसे इस स्ट्रैंड का इस्तेमाल नहीं होगा, आरएनए इस स्ट्रैंड से बनेगा, लेकिन आरएनए हमेशा इस स्ट्रैंड से बनता है, डीएनए के किस स्ट्रैंड से? जिसकी पोलैरिटी 3' to 5' है। दूसरा देखिए, इसी कोडिंग स्ट्रैंड का एक नाम और है, क्योंकि इससे आरएनए का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इस स्ट्रैंड का नाम सेंस स्ट्रैंड है। क्या नाम है इसका? नाम सेंस स्ट्रैंड है। तो अगर इसका नाम सेंस स्ट्रैंड है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम एंटी सेंस स्ट्रैंड है, एंटी सेंस स्ट्रैंड है। पहली बात आप ये समझे, एंटी सेंस स्ट्रैंड है। दूसरी बात हो गई, इसका एक आप नाम और है, इसको हम लोग पॉजिटिव स्ट्रैंड कहते हैं। तो पॉजिटिव स्ट्रैंड कहते हैं, या इसी का एक नाम है मास्टर स्ट्रैंड। आपकी एनसीईआरटी ने इतना एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन आपको ये बात सारी आनी चाहिए। तो अगर इसका पॉजिटिव स्ट्रैंड नाम है तो इसका नाम क्या है? नेगेटिव स्ट्रैंड नाम है, नेगेटिव स्ट्रैंड इसका नाम है। ये देखिए, नेगेटिव स्ट्रैंड नाम है। समझना इस बात को, आपको बिना समझे आपका कल्याण नहीं है। इसको ध्यान से देखिएगा, ये डीएनए के दो स्ट्रैंड है, आरएनए इस स्ट्रैंड से बनेगा, लेकिन नाम देखने पर लगता है कि आरएनए इस स्ट्रैंड से बनता है। आरएनए बनेगा इसी स्ट्रैंड से जिसकी पोलैरिटी क्या है 3' to 5', क्योंकि आरएनए की पोलैरिटी क्या होती है 5' to 3'। अब आप देखिए, आरएनए इधर से बनेगा, लेकिन आरएनए बनेगा इस स्ट्रैंड से, लेकिन नाम लिखा है इस स्ट्रैंड का कोडिंग स्ट्रैंड। तो ये देखिए, इस स्ट्रैंड के एक साइड में ये स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग प्रमोटर कहते हैं। तो प्रमोटर क्या है? सबसे पहले प्रमोटर हम लोग समझे, ये प्रमोटर है। अगर आप यहां प्रमोटर समझना चाहें तो प्रमोटर की जगह ये कहीं है, इस जगह पे जहां पर ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है उसे प्रमोटर कहते हैं। तो अगर हम आपको कहें कि बेटा प्रमोटर क्या है, तो आप कहेंगे सर प्रमोटर, आप ये बताना चाहते हैं कि प्रमोटर जो होता है
जहां पर डीएनए कौन सा एंजाइम बाइंड करेगा, डीएनए डिपेंडेंट, कौन सा एंजाइम, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स करता है और स्टार्ट करता है ट्रांसक्रिप्शन। मतलब जहां पर एंजाइम बाइंड करता है और डीएनए हेलिक्स खोल देता है उसे हम लोग प्रमोटर कहते हैं। जहां पर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है और वहां पर ये शुरू करता है ट्रांसक्रिप्शन, उसे उस जगह को हम लोग प्रमोटर कहते हैं। लाइक उपरांत में इसी को हम लोग टीसी रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं अगर आपसे पूछूं किस स्टैंड का ट्रांसक्रिप्शन होगा, आप कहेंगे सर देखिए इस स्टैंड का ट्रांसक्रिप्शन होगा, इसका होगा, इस स्टैंड का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। लेकिन जिस स्टैंड का ट्रांसक्रिप्शन होगा उसका नाम क्या रखा है, कोडिंग स्टैंड। तो अगर इस स्टैंड का ट्रांसक्रिप्शन होगा तो आप बताइए टेम्पलेट स्टैंड के किस साइड में प्रमोटर है, तो आप कहेंगे सर टेम्पलेट स्टैंड के 3' पे है। यही कहेंगे, बोलिए कहेंगे, बोलो कहेंगे टेम्पलेट स्टैंड 3' पर होगा। लेकिन लिखा ऐसा नहीं जाता है, लिखा प्रमोटर की जो लोकेशन है वो कोडिंग स्टैंड के 5' पर लिखा जाता है। ये देखिए 5' के किस स्टैंड के, कोडिंग स्टैंड के 5' पे प्रमोटर की लोकेशन लिखा जाता है, 5' पे। इसीलिए इसको अपस्ट्रीम कहा जाता है। पहली बात आप ये समझे, मैं फिर से आपको सिखाना चाहता हूं कि ट्रांसक्रिप्शन इसका होगा या इसका होगा। आप कहेंगे सर इस स्टैंड का ट्रांसक्रिप्शन होगा, लेकिन प्रमोटर की पोलैरिटी कहां से लिखी जाएगी, कोडिंग स्टैंड का, जबकि इस स्टैंड का ट्रांसक्रिप्शन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसका बहुत ही ध्यान रखना है आपको। अब ये प्रमोटर है जहां पर डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जुड़ता है, आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है और इसकी लोकेशन है कोडिंग स्टैंड के 5' पे। एनसीईआरटी में आपको ध्यान रखना है, मतलब आरएनए इससे पैदा हुआ है लेकिन नाम इसका हो रहा है, ये गलत बात है। साइंस में बन कन्वेंशन है, परंपरा है, चली आ रही है। ये कौन सी जगह है, अगर आप इसे प्रोकैरियोट्स में देखें, अगर आप प्रोकैरियोट्स में देखें तो प्रोकैरियोट्स में इस जगह पे क्या है, मतलब आपको ये प्रमोटर यहां समझना है कि सर ये प्रमोटर है, यहां पर प्रमोटर पड़ा है, ये लोकेशन है प्रमोटर वाली, तो ये प्रमोटर है। तो इस जगह पर प्रोकैरियोट्स में क्या है, इस प्रोकैरियोट्स में ये रीजन है जहां पर इस तरह के बॉक्स पाए जाते हैं, टेटेट लिखा जाता है या इन्हें प्रिमलो बॉक्स कहा जाता है। ये प्रोकैरियोटिक सेल में वो बॉक्सेस हैं जहां पर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जाके जुड़ता है। लेकिन अगर ये यूकैरियोटिक सेल होती, मान लेते हैं अगर ये यूकैरियोटिक सेल होती, ये यूकैरियोटिक सेल होती, तो अगर यहां पर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता तो इस बॉक्स का नाम हो जाता टीए बॉक्स, या इसे हम लोग टाटा बॉक्स कहते हैं। मतलब ये नीचे एरिया होगा डीएनए पे, टाटा बॉक्स कहते हैं, या इसी को हम लोग हॉगनेस बॉक्स कहते हैं। आप चिंता मत करें, आप चिंता का चिता करें, बस आप ये समझिए कि ये जो टाटा लिखा है डीएनए में, ये वो लोकेशन है जहां पर टीए एरिया ज्यादा है। अच्छा, टीए रिच एरिया मतलब क्या हुआ, जहां पर टीए और टीए एटिनिन और थायमिन के बीच में कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डीएनए वहां वीक होगा, उसको तोड़ना आसान होता है। इसलिए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इस लोकेशन पे, चाहे यहां करें वहां पर जुड़ता है और डीएनए को खोल देता है और उसके एक स्ट्रैंड की कॉपी करता है। इसलिए इस जगह को हम लोग प्रमोटर कहते हैं। प्रोकैरियोटिक में ये टेटेट रीजन है, यूकैरियोटिक में टाटा या हॉगनेस बॉक्स कहते हैं, कभी कभी ये कैट रीजन होता है, इसे लोग कैट बॉक्स कहते हैं। कैट बॉक्स माने, हम आपसे पूछे क्या है कैट बॉक्स, आप मुस्कुरा बोलेंगे क्या सर, मुस्कुराता हुआ चेहरा, बीन बजाती हुई नागिन। तो ये कैट बॉक्स क्या है, डीएनए वो एरिया है जहां पर जो है क्या कहते हैं कि डीएनए में सीए मतलब साइटोसिन है, एडेनिन है, थायमिन है या थायमिन है। तो डीएनए को तोड़ना आसान कहां पे है, डीएनए को वहां पर तोड़ना आसान है जहां पर सी ट्रिपल बॉन्ड जी है, जी नहीं, डीएनए को वहां तोड़ना आसान है जहां पर ए डबल बॉन्ड टी नीचे दिया है। इसीलिए प्रमोटर वो जगह है जहां पर टीए बॉक्स पाए जाते हैं, टाटा बॉक्स, प्रिमलो बॉक्स, ऑर्गेनिक बॉक्स, मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको लिख दी है। तो प्रमोटर माने क्या हुआ, डीएनए की वह जगह जहां पर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जाके जुड़ता है और डीएनए के हेलिक्स को ओपन कर देता है, उस जगह को प्रमोटर कहते हैं। दिमाग में सेट करिए, बिना सेट किए कल्याण नहीं है। देखो बेटा, तो मैंने आपको बताया कि ये देखिए डीएनए का ये मॉलिक्यूल है, आप समझे इस बात को, इस डीएनए के मॉलिक्यूल के दो ये हेलिक्स, कुछ पर्टिकुलर हेलिक्स स्टैंड खुल गए, ये दो स्टैंड है जिसमें किस स्टैंड से आरएनए बनेगा। मैंने अभी आपको बताया कि जो आरएनए है, ये बात पहले आप समझ लें कि जो आरएनए होता है, इस आरएनए की पोलैरिटी 5' to 3' होती है, मतलब ये आरएनए की पोलैरिटी है। और डीएनए से आरएनए बनाने के लिए एंजाइम कौन सा चाहिए, ये लिखा हुआ है कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज चाहिए जो
प्रक्रिया को शुरू करता है। तो मान लीजिए ये डीएनए है, इससे आरएनए बनना है, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इस जगह पे जुड़ेगा, इस जगह पर जुड़ेगा, उस जगह को प्रमोटर कहेंगे। ये जो स्ट्रैंड बने हुए हैं एनसीईआरटी में, ये इस पर्टिकुलर हेलिक्स का है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन इस पर्टिकुलर हेलिक्स और इस पर्टिकुलर स्ट्रैंड का हो रहा है। तो अगर मैं पूछूं कि आरएनए किस स्ट्रैंड से बनेगा, तो आप कहेंगे सर आरएनए ऊपर वाले स्ट्रैंड से बनेगा। तो ऊपर वाले स्ट्रैंड का नाम क्या होना चाहिए? टेम्पलेट स्ट्रैंड है, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है, मास्टर स्ट्रैंड है, सेंस स्ट्रैंड है, पॉजिटिव स्ट्रैंड है, मतलब जिससे आरएनए बनेगा। लेकिन जिससे आरएनए नहीं बनेगा उस स्ट्रैंड का नाम कोडिंग स्ट्रैंड है, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है, निगेटिव स्ट्रैंड है, एंटीसेंस स्ट्रैंड है। अगर कोई कोडिंग स्ट्रैंड देखेगा, कोडिंग स्ट्रैंड की प्रायोरिटी क्या है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। आरएनए की प्रायोरिटी क्या है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो आरएनए बन नहीं सकता है। लेकिन कोडिंग स्ट्रैंड से कोई भी आरएनए नहीं बनता है, लेकिन प्रमोटर और टर्मिनेटर की जो प्रायोरिटी होती है वो कोडिंग स्ट्रैंड से ही ली जाती है। क्यों ली जाती है? क्योंकि साइंस की कन्वेंशन है, एक परंपरा है जो चली आ रही है। तो मैंने आपको बताया कि प्रमोटर जो है होना तो चाहिए टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3 प्राइम पे, लेकिन लिखा क्या जाता है? कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम पे। कोडिंग क्या स्ट्रैंड के 5 प्राइम, इसलिए हम लिखते हैं क्या कि अपस्ट्रीम है, जबकि कोडिंग स्ट्रैंड से किसी भी आरएनए का कोई फॉर्मेशन नहीं होता है। अगर आपको डर लग रहा है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि सर देखिए जो कोडिंग स्ट्रैंड है, ये जो कोडिंग स्ट्रैंड है इससे किसी भी आरएनए का फॉर्मेशन नहीं होता है। लिख लीजिए, आपको डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं आया तो बहुत ही मामला गड़बड़ा जाएगा। नो आरएनए का फॉर्मेशन, तो कोडिंग स्ट्रैंड से आरएनए का फॉर्मेशन नहीं होता, लेकिन पोलैरिटी प्रमोटर की कोडिंग स्ट्रैंड से ली जाती है, क्योंकि साइंस में परंपरा है। आइए दूसरा देखा जाए। अगर आप स्ट्रक्चरल जीन की बात करते हैं कि स्ट्रक्चरल जीन क्या है, तो स्ट्रक्चरल जीन वो जो डीएनए का सेगमेंट है जिसका ट्रांसक्रिप्शन होना है, जिसका ट्रांसक्रिप्शन होना है उसे हम लोग स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। डीएनए का वो स्ट्रैंड है जिसका ट्रांसक्रिप्शन होना है। इसी स्ट्रक्चरल जीन को अगर हम लोग इसका कॉन्सेप्ट देखें तो इसे सिस्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्ट्रॉन। क्या कहते हैं? सिस्ट्रॉन। अगर इसी स्ट्रक्चरल जीन का मान लीजिए किसी कारण से रिकॉम्बिनेशन हो जाए, क्या या रिकॉम्बिनेशन हो जाए या क्रॉसिंग ओवर हो जाए, तो हम इसे क्या कहते हैं? रिकॉन कहते हैं। कॉन्सेप्ट है, आपको याद करना है। और अगर इसमें म्यूटेशन हो जाए किसी कारण से, इस स्ट्रक्चरल जीन में म्यूटेशन हो जाए, तो अब इसे हम लोग म्यूटान कहते हैं। ये देखिए, तो शब्द क्या क्या हो गए? जो इस जीन का मतलब ये पूरा एरिया जो है जहां से आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, इसे हम लोग सिस्ट्रॉन कह रहे हैं, और इसी को हम लोग स्ट्रक्चरल जीन कह रहे हैं। तो मतलब जीन क्या है? एक्चुअली जीन आरएनए डीएनए की वह यूनिट है जिसका जिससे आरएनए का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर इसमें रिकॉम्बिनेशन हो जाए तब इसे सिस्ट्रॉन लगा के हम लोग रिकॉन कहते हैं। इसमें अगर म्यूटेशन हो जाए तो इसे म्यूटॉन कहते हैं। क्योंकि डीएनए से इस जगह से आरएनए बन रहा है, तो जहां से आरएनए बन रहा है उस जगह को एग्जॉन कहते हैं। मतलब वह डीएनए जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, जहां पर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है डीएनए में, ट्रांसक्रिप्शन जहां पर हो रहा है उसे एग्जॉन कहते हैं। इंट्रॉन किसे कहते हैं? डीएनए की वह जगह जहां पर ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है उसे इंट्रॉन कहते हैं, नो ट्रांसक्रिप्शन। ये दोनों जो एग्जॉन इंट्रॉन है, ये हम लोग डीएनए के रिस्पेक्ट बोल रहे हैं। अब यहां टेक्निकल क्या क्या है समझ लें कि जिस यूनिट का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है उसे सिस्ट्रॉन कहते हैं। अब इस पूरे एरिया को सिस्ट्रॉन कहते हैं। मान लो यहां से, इस जगह से, यहां से आरएनए का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो इस जगह को क्या कहते हैं? इस जगह को हम लोग कहते हैं सर ये तो इंट्रॉन है, यहां से डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इस जगह को हम लोग कहते हैं कि ये एग्जॉन है, और इस पूरे यूनिट को सिस्ट्रॉन कहते हैं। अगर यहां पर म्यूटेशन हो जाए तो इसे म्यूटॉन कहेंगे, यहां पर अगर रिकॉम्बिनेशन हो जाए तो इसे रिकॉन कहेंगे। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं जीन क्या है, तो आप कहेंगे जीन कुछ नहीं है, डीएनए के उस यूनिट से जहां से आरएनए का फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग जीन कहते हैं। अब आप ये बात समझिए बेटा कि जब यहां पर ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा, यहां से आरएनए बनेगा, और आरएनए बन के यहां पर कंप्लीट हो जाएगा, तो ये डीएनए हेलिक्स खुली नहीं रहेगी, फिर से बंद हो जाएगी। तो ये जगह होगी जहां पर प्रक्रिया जाके रुक जाएगी। रोकने के लिए यहां खास तरह की प्रोटीन जुड़ती है जिसका नाम रो प्रोटीन है, जो इस प्रक्रिया पर रोक देती है। तो जहां पर ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है उस जगह को नाम को हम देते हैं, उस जगह को हम लोग नाम देते हैं कि ये टर्मिनेटर है। क्या है? ये टर्मिनेटर है भाई। कोई प्रक्रिया शुरू हो रही है तो रुकना भी तो चाहिए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि टर्मिनेटर क्या है,
टर्मिनेटर कौन सी जगह है जीन में, तो आप कहेंगे जहां पर रिप्लिकेशन रुक जाता है, रिप्लिकेशन, रिप्लिकेशन क्या हो जाए, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट जहां होता है, ट्रांसक्रिप्शन जिस जगह पर कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है डीएनए में, उस जगह को टर्मिनेटर कहते हैं। ये देखिए कौन जुड़ता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की पूरा ये एंजाइम है जुड़ता है, इसका ध्यान रखेंगे। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की एक खास तरह की प्रोटीन है जिसका नाम है रो प्रोटीन, ये जब जुड़ जाती है डीएनए से तो ट्रांसक्रिप्शन वहां जाके कंप्लीट हो जाता है, उसके आगे डीएनए खुलता नहीं है। अब आप तीसरी बात देखिए, अगर मैं आपसे टर्मिनेटर की लोकेशन पूछूं तो रियल में क्या है, क्योंकि डीएनए तो इस स्ट्रैंड से बनना है ना, इस स्ट्रैंड से, इस स्ट्रैंड से कोई डीएनए तो बनना नहीं है, तो अगर आप देखें इस स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, मैं 100 बार बता चुका हूं आपको कोडिंग स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा इसका। तो अगर इसका स्ट्रैंड का इस्तेमाल नहीं है तो टर्मिनेटर कहां होना चाहिए, रूल तो ये है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड के 5 प्राइम पे होना चाहिए, लेकिन लिखेंगे कहां से, लिखेंगे हम लोग कि कोडिंग स्ट्रैंड के 3 प्राइम पे है। तो अगर आपको टर्मिनेटर लिखना है तो आप लिखिए कि जो कोडिंग स्ट्रैंड है इसके 3 प्राइम पे टर्मिनेटर है, क्योंकि 3 प्राइम पे है इसलिए इसको हम लोग डाउन स्ट्रीम कहते हैं। तो अगर आपसे कोई प्रमोटर या टर्मिनेटर की लोकेशन पूछता है तो आप किसके किस पोलैरिटी के हिसाब से बताएंगे, कोडिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी के हिसाब से बताएंगे, जबकि इस स्ट्रैंड का आरएनए के फॉर्मेशन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आइए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन इन्होंने दिया, मान लीजिए इन्होंने दिया कि भाई एक डीएनए मॉलिक्यूल है, ये देखिए इसका ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, लिख दिया इन्होंने भाई यहाँ एडिनिन है, ग्वानिन है, ऐसे लिख देता हूँ, ग्वानिन है, साइटोसिन, थायमिन, थायमिन, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ऐसे लिख दिया। अब इससे आपको आरएनए का फॉर्मेशन करना है, तो अगर आपको मैं पूछूं ये कौन सा स्ट्रैंड दिया गया है, डीएनए का जो मॉलिक्यूल है जिसकी पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, वो कौन सा स्ट्रैंड दिया गया था, आप कहेंगे तो टेम्पलेट स्ट्रैंड दिया गया है, आरएनए से तो बनेगा, तो इसका उल्टा लिखा जाएगा। अगर आपको इससे ये डीएनए का स्ट्रैंड है, कौन सा स्ट्रैंड है, तो अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन सा स्ट्रैंड है, तो आप कहेंगे सर ये तो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये कौन सा स्ट्रैंड है, ये देखिए ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर आप कैसे देंगे, इसका आंसर देखेंगे आप ऐसे लिखेंगे 5 प्राइम, यहां लिखेंगे आप यहां आरएनए लिख लीजिए, उल्टा लिखना शुरू करिए, अगर यहां एडिनिन है तो एक सामने क्या आना चाहिए, टी आना चाहिए, बोलिए एक सामने क्या आना चाहिए था, टी आना चाहिए, लेकिन जहां पर ए होगा वहां पर यू आ जाएगा, किस पे, आरएनए पे, जी है यहां सी आएगा, सी है यहां जी आएगा, टी है यहां ए आएगा, यहां टी है ए आएगा, ए है यू आएगा, जी है सी, जी है तो यहां सी आएगा, और सी है तो यहां जी आएगा, टी है तो यहां ए आएगा, ए है तो यहां यू आएगा, जी है तो यहां सी आएगा, और सी है तो यहां पर जी आएगा, ये किस पे आएगा, आरएनए पे, क्योंकि आपको कौन सा स्ट्रैंड मिला है, आपको मिला है टेम्पलेट स्ट्रैंड, मतलब अगर आपको टेम्पलेट दिखना है तो उल्टा लिखना पड़ेगा। लेकिन एक दूसरा क्वेश्चन होगा आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन मान लीजिए उन्होंने दिया कि ये डीएनए का मॉलिक्यूल है जिससे आरएनए का फॉर्मेशन करना है, तो डीएनए का मॉलिक्यूल है, मैं अगर आपसे पूछूं यहां पर जो भी ए रहा होगा यहां टी रहा होगा, डीएनए का मॉलिक्यूल है जिससे आरएनए का फॉर्मेशन है, और डीएनए का मॉलिक्यूल की पोलैरिटी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम कौन सा स्ट्रैंड दिया गया है, आप बोलिए सर ये कोडिंग स्ट्रैंड दिया गया है। आप प्लीज इस बात को समझें कि जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है उसमें जो बेस होते हैं वो आरएनए के जैसे होते हैं, फर्क यह है कि उनमें थायमिन की जगह पर वहां पर यूरेसिल की जगह थायमिन होता है, ये एनसीईआरटी लिखा हुआ है, ध्यान देना है, मैं आपको 100 बार ये बात सिखाऊंगा, पहले मैं आपको दिखा दूं, क्वेश्चन करा दूं, फिर बात करता हूं मैं। ये देखिए ये डीएनए का मॉलिक्यूल है जिसकी पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ऊपर डीएनए का मॉलिक्यूल लिखा है, कोडिंग स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम मतलब कोडिंग स्ट्रैंड जिससे आरएनए बनता नहीं है, आपको इन्होंने लिख दिखाया कि भाई देखिए यहां पर एडिनिन है, थायमिन है, साइटोसिन, ग्वानिन है, एडिनिन है, थायमिन है, थायमिन है, एडिनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, थायमिन है, लिख दिया। अब इससे आपको बनाना है आरएनए, आरएनए बनाना तो आपको कुछ नहीं करना है, ये क्वेश्चन अगर ऐसे आता है बस आपको ये करना है कि इस डीएनए पे जहां जहां पर थायमीन है
आरएनए पे उस जगह पर आपको केवल यूरेसिल लिखना है। देखिए खाना थायमिन कितनी जगह पे, एक दो तीन चार, चार जगह थायमिन है। अगर आपको इससे आरएनए का फॉर्मेशन करना है तो आप यहां पर आरएनए की पोलैरिटी तो वही होगी, फाइव प्राइम है, एक ही जगह पर सेम ए लिखिए, ऐसे लिखिए, और कोई भी बेस बदलेगा नहीं। सिर्फ क्या बदलेगा, टी जहां पर है वहां यू रख देंगे, सी रहेगा तो सी वही रहेगा, जी वही रहेगा, ए भी वही रहेगा, जहां जहां टी है वहां हाँ यू रख देंगे, फिर ए रख देंगे, फिर जी रख देंगे, सी रख देंगे और टी की जगह पर यू रख देंगे। इस तरह से अगर आप परिवर्तन देखें तो टी जगह पर यू हो गया, इन दोनों टी की जगह पर क्या हो गया, यू हो गया, और इस टी की जगह पर भी यू हो गया। मतलब ये हुआ कि अगर आपको फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम दिया गया है तो सिर्फ आप फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम जहां डीएनए है आरएनए बनाते समय, फिर सिर्फ आपको एक काम सिंपल सा करना है कि आरएनए बनाते समय डीएनए में जहां जहां टी है वहां पर यू लिख दें और कुछ ना करें, कोई भी चेंज नहीं करना। ना देखिए यहां भी ए है, सी जी, सब कुछ सेम है। फर्क क्या है कि डीएनए में जहां टी है आरएनए में वहां पर केवल यू हुआ है और कोई परिवर्तन नहीं रखा गया है। लेकिन तब किया जाए जब पोलैरिटी आपको क्या क्वेश्चन मिले, फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम। अगर ऐसा नहीं मिलता है तो आपसे क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आप क्वेश्चन गलत मत करिएगा, इसका ध्यान रखिएगा। मैं आपसे एक क्वेश्चन और करवाता हूं, क्वेश्चन जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपसे कभी गलती ना हो। आप एक क्वेश्चन और यही करके देख लें, पहले आप समझ लें तब फिर हम लोग कोई बात करेंगे। पहले आप क्वेश्चन करके देखें, जैसे मान लीजिए मैंने एक डीएनए का स्ट्रैंड बनाया, मान लीजिए डीएनए का ये स्ट्रैंड है, ऐसे समझिए ये है थ्री प्राइम और ये है फाइव प्राइम। हम इस पे डीएनए के स्ट्रैंड को बेस को लिख दे रहे हैं इसे, ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो, आपसे सब कुछ बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। मैं लिख देता हूं ये ए टी सी जी टी, ए सी जी ए टी सी और जी, ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है। अगर मैं पूछे कौन सा स्ट्रैंड है, आप कहेंगे थ्री प्राइम टेम्पलेट स्ट्रैंड है। अगर इसका उल्टा मैं लिख दूं, वो भी लिख देता हूं, ए के सामने क्या आएगा, टी आएगा, टी के सामने क्या आएगा, ए आएगा, सी के सामने जी आएगा, जी के सामने सी आएगा, टी के सामने ए आएगा, ए के सामने टी आएगा, सी के सामने जी आएगा, जी के सामने सी आएगा, ए के सामने टी आएगा, टी के सामने ए आएगा, सी के सामने जी आएगा और जी के सामने सी आएगा। ये डीएनए का कौन सा स्ट्रैंड है, ये भी लिख दीजिए। ये डीएनए का स्ट्रैंड है जिसकी पोलैरिटी है फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम। अगर आपको इसका निकला है तो ये भी लिख दीजिए कि सर ये कोडिंग स्ट्रैंड है डीएनए का, कोडिंग स्ट्रैंड है और ये कौन सा स्ट्रैंड है, ये भी सिंपली लिखिए, परेशान नहीं होना है। मैं आपको जो सिखाना चाहता हूं वो सीखिए, टेम्पलेट स्ट्रैंड है। अगर मैं आपसे पूछूं आरएनए किससे बनेगा, इस स्ट्रैंड से या इस स्ट्रैंड से, आप कहेंगे सर इस स्ट्रैंड से बनेगा। मैं आरएनए भी लिख के आपको दिखा देता हूं, अगर उस स्ट्रैंड से ऊपर वाली स्ट्रैंड से आरएनए बनेगा, मैं आरएनए यहां लिख दिया, आरएनए की पोलैरिटी फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम है, इसका मतलब आरएनए इस स्ट्रैंड से बनेगा। तो अगर आपको आरएनए लिखना है तो यहां पर ए है तो आरएनए पे क्या आएगा, यू आएगा। बोलिए यहां टी है तो यहां क्या आएगा, ए आएगा, सी है तो जी आएगा, जी है तो सी आएगा, टी है तो ए आएगा, ए है तो यू आएगा, सी है तो जी आएगा, जी है तो सी आएगा, ए है तो यू आएगा, टी है तो ए आएगा, सी है तो जी आएगा और जी है तो सी आएगा। बोलिए हाँ ये क्या है आपका, बड़ा सा लिख देता हूं ताकि आपको मन की आंख से दिखाई पड़े, ए आरएनए है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि ये जो आरएनए बना है वो ऊपर वाले स्टैंड से बना है, अगर हम ऊपर वाले स्टैंड को देंगे तो उसका उल्टा लिखाना पड़ेगा, बोलिए हाँ बिल्कुल सही बात है। अब आप थोड़े नीचे वाले स्टैंड से इसको कंपेयर करें, नीचे वाले स्टैंड से अगर आप कंपेयर करें तो यहां देखिए थायमिन लिखा है, यहां यूरेसिल है, देखिए यहां ए जी सी है, यहां भी ए जी सी है, यहां ए है, बोलिए हाँ, बस फर्क यह है कि जहां जहां थायमिन है वहां वहां यूरेसिल है। ये तो मतलब अगर आपको ऊपर वाला स्टैंड दिया जाएगा थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम तो आप उसका उल्टा लिखेंगे, लेकिन अगर आपको फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे, हम आपको अगर ये देते तो क्या करते, आप कुछ ना करते, इसमें जहां जहां थायमिन है वहां पर आप केवल यूरेसिल लिख देते। इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए में फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम स्टैंड आरएनए के एकदम इक्विवेलेंट है। फर्क यह है कि डीएनए में जहां थायमिन है वहां पर आरएनए में यूरेसिल है, इसका बहुत ही ध्यान रखना है। ये लिखा जाएगा तो उल्टा लिखिएगा, ये लिखा जाएगा तो कुछ मत चेंज करिएगा, जहां टी है वहां केवल यू लिखिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको करा के दिखा दूं सिंपल सा,
सिंपल से क्वेश्चन और करा दूं, मेरा बड़ा मन है कि आप जैसे मान लीजिए उन्होंने लिखा कि डीएनए का मॉलिक्यूल है 5' to 3' लिख दिया उन्होंने, सिंपल से क्वेश्चन है आप देख ले, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। यहां लिखा इन्होंने ए टी सी जी टी ए सी जी टी ए, आपको आरएनए बनाना है, कुछ मत करिए, एक उपमत छोड़िए, एक सामने यहां यू लिख दीजिए, ठीक सामने जहां जहां टी है वहां यू लिख दीजिए, तैयार है, ए यू सी जी यू ए सी जी यू ए, आरएनए बनके तैयार है। मतलब जहां टी पढ़ रहे हैं वहां यू पढ़िए, सिर्फ इतना करना है, कोई परिवर्तन नहीं करना है, आपको ये बात ध्यान रखना है। अगर डीएनए का 3' to 5' दिया जाता है, इसका उल्टा आरएनए पे लिखिए, लेकिन अगर 5' to 3' दिया जाता है, मतलब कोडिंग स्टैंड दिया जाता है, तो कोडिंग स्टैंड पे जहां टी है सिर्फ उसी जगह पर यू लिखना है आरएनए पे, और कुछ भी बदलाव नहीं करना है, इसका पूरा ध्यान रखिएगा।